यस बेटे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपा कल विस्मिक क्लास किते सीगे, उरिया किस्मा कितिया टेबल बना के किता, उन्हां दी एग्जाम्पल समझिया। ठीक है, अज अपा पहला विस्मिक दी 5 मिनट च असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। उस तो बाद अपा एक लेख करना है। वो लेख की है? तुकां ते आधारित। तुकां की हुंदियां जिहड़ियां गुरबाणी दियां तुकां हन, जां सच्चाई जिंदगी दी सच्चाइयां नूं बयान करदियां होईयां तुकां, मोरल वैल्यू बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक चुप सौस, यह गुरबाणी की तुक नहीं है, यह अखाण है। आपां 3 या 4 लेख करांगे तुकां ते आधारित। जां आएगा तुहानूं आम विषय, जिवें आम विषय च तुसीं एक लेख कर चुके हो मात भाषा की महानता, क्योंकि आपां पोएम कीती उहदे नाल रिलेटिड लेख कर लिया, क्योंकि पर्टिकुलर तुहाडे सिलेबस च लेख तां मैनशन नहीं है। ठीक है ना, 9th ऑनवर्ड उहदे विच 2 टॉपिक दिते हुए ने, आम विषय जां विचारात्मक लेख, विचारां वाले तुकां ते आधारित लेख नूं कहिंदे विचारां वाले लेख, जिहदे विच गुरबाणी दीआं तुकां आउंदीआं हन, जिंदगी दीआं सच्चाइयां आउंदीआं हन, अखाण आउंदे हन। फॉर एग्जाम्पल, मन जिते जग जीत, इक चुप सौ सुख, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईआं तत, नानक दुखिया सब संसार। इस तो इलावा होर केड़ा लेख से, वेला मन शैतान दा घर, किरत दी महानता। ठीक है, इस तो इलावा होर केड़ा लेख हो सकता, वादड़ियां सजादड़ियां निबन सिरां दे नाल। आपां इन्हां विचों 3 लेख करांगे, 3 या 4। पहला लेख केड़ा करांगे, तुकां ते आधारित, केड़ा है? मन जीते जग जीत। तुहानूं तुक तो ही पता लग जाणा, जिन्हें मन नूं जित लिया उन्हें संसार नूं जित लिया। इहदे बारे गुरु साहिब ने सानूं की फरमाया, इहनूं एक चैप्टर समझ के करना। लेख उदों प्रिपेयर हुंदे ने तुकां ते आधारित जदों उन्हां नूं तुसीं रीडिंग करोगे, उन्हां नूं समझोगे, ते जिहड़े पैरावाइज हैडिंग बंदे ने उन्हां नूं क्वेश्चन समझ के करोगे। वैसे तां इह तुहाडी वोकैबुलरी ते डिपेंड करदा, तुहाडी सैल्फ फ्रेमिंग ते, पर इह गुरबाणी दीआं तुकां ने, इहनां नूं थोड़ा जिहा समझना पैणा, इहनां नूं तुसीं रीडिंग करनी है। ठीक है, लेख करन तों पहलां विस्मिक करो। फर्स्ट पहले विस्मिक समझ लो, जो कल किया वो मैं रिव्यू कर दिनी हाँ। विस्मिक वो होंगे ने जो खुशी गमी हैरानी के भाव प्रगट करन। एक बार मैं लिख दिनी हाँ, खुशी गमी हैरानी के भाव, जा किसी बुलाने लिए वरते जान। ऑलरेडी तुम 8th विच टॉपिक किया, तो बच्चों को अच्छी तरह आंदा है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल, नी कुड़िए किधर चली है, नी कुड़िए तो बाद ये हुण बुलाउण लई है, नी कुड़िए नाल विस्मिक चिन्ह भी अंडरलाइन करना, फिर इहदी किस्म दसनी है, संबोधनी विस्मिक। ठीक है बच्चे, इस तरह तुसी चुनो ते किस्म दसो करने हन। यह 9 किस्मां दे हुंदे ने, पहले मैं सारियां किस्मां रिवाइज करवा दिया तुहानू, फिर तुसी असाइनमेंट अपने आप करोगे। मैं सेंटेंस लिख दिनी हाँ, 5 मिनट लगने हैं, वो तुसी कंप्लीट कर लियो अपनी फेयर नोटबुक से। पहला टेबल बना के विस्मिक करने ने, जिहड़ा होमवर्क है उस तो पहला अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। मोहन तारी कांगी के क्वेश्चन आंसर, कविता के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो जिहड़े आपां वेकेशन च एक्स्ट्रा क्लासेस च जे आपां कोई लेख किया सी उहदे पॉइंट्स, और जे कोई लैटर की है तो लैटर का फॉरमेट लिखना है तुसी। ठीक है बच्चे, हुण आपां करिए विस्मिक दी किस्मां ते नाल असाइनमेंट। फर्स्ट किस्म होगी संबोधनी विस्मिक, सैकेंड है प्रशंसावाचक, जिहड़े प्रशंसा के भाव प्रगट करन, खुशी के भाव प्रगट करन। थर्ड वन इज शौकवाचक, शौक नहीं कहना, शौकवाचक, दुख के भाव प्रगट करन। फोर्थ वन इज सतिकारवाचक, सतिकार के भाव प्रगट करन। जो टाइटल है वह विस्मिक है, इदां ही डेफिनेशन बनानी, क्योंकि छोटे क्वेश्चन भी आने हैं कि सतिकारवाचक विस्मिक किसनों आखते हैं, उदाहरण दिओ। वह विस्मिक जो सत्कार के भाव प्रगट कर, बस इन्नी डेफिनेशन। वह विस्मिक जो दुख के भाव प्रगट कर, शौकवाचक। वह विस्मिक जो फिटकार या लानत के भाव प्रगट कर, फिटकारवाचक। वह विस्मिक जो आशीर्वाद के भाव प्रगट कर, असीसवाचक विस्मिक। वह विस्मिक जो हैरानी के भाव प्रगट कर, हैरानीवाचक विस्मिक। वह विस्मिक जो इच्छा के भाव प्रगट कर, इच्छावाचक विस्मिक।
ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਉਹ ਵਿਸਮਿਕ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਪਰ ਕਰਨ ਸੂਚਨਾ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਇਹ ਨੌ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਸਮਿਕ ਚੁਣੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦਿਓ ਵਿਸਮਿਕ ਚੁਣੋ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਵਿਸਮਿਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਰੇਜ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਸੈਂਟ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਬੇਟੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਬੀ ਪੰਕਚੁਅਲ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ ਜਸਲੀਨ ਕਰਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਦਿਵਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮੇ ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮੇ ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਰਾਇਣ ਆਏ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ ਰਿਸ਼ਮ ਰਿਸ਼ਮ ਦੀਪਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸਮਿਕ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਚਕ ਪਰ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਚੁਣਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਯੈਸ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਨੈਕਸਟ ਆਹਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ ਹਰੀਸ਼ਕੇਸ਼ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਬੋਲੋ ਆਂਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਚਕ ਆਹਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਆਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਚਕ ਆਹਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਚਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਚਕ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਹਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਚਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਰਡ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਚਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 5 ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਨੈਕਸਟ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਔਗਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਔਗਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ ਬੱਚੇ ਆਸ਼ਨਾ ਆਸ਼ਨਾ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਜੀਆ ਯੈਸ ਜੀਆ ਆਨਸਰ ਦੇਗੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀਆ ਮੈਮ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਛਾ ਵਾਚਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਛਾ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਨਾਲ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਟਰਨ ਔਨ ਯੂਅਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ
अपनी वीडियो ऑन कर लो बच्चे जो भी कोई आंसर देना है। नेक्स्ट वन इज ठहर जा तो बाद विस्मिक चिन्ह, तेरी खबर मैं लंदा हां। नहीं जे कोई बच्चा गलत कर देता ना, कोई गलत काम करता तो ओदे वड्डे कहंदे ने ठहर जा तेनू मैं दसा कि तू ये गलती किवें कीती है, ठहर जा, खबरदार, सावधान, ये केड़ी किस्म चाहते ने बेटे बोलो, रेज योर हैंड्स। दीप्ति यस बेटे केड़ी किस्म चाहते ने बोलो आंसर। सूचनावाचक विस्मय, गुड, सूचनावाचक विस्मय, ठहर जा, सूचनावाचक विस्मय। नेक्स्ट, काश मेरे को वड्डी कोठी हुंदी। हुण बोलो केड़ी किस्म होएगी बच्चे, जिया, हां जी जिया मैम, काश इच्छावाचक विस्मय, काश इच्छावाचक विस्मय। अगे नेक्स्ट बेटे वेखी, वेखी दौलत नू उजाड़ा ना करी, दौलत दा उजाड़ा ना करी, जां इहदी थां ते असदा है वेखी खानदान दी इज्जत नू तब्बा ना लाई, केड़ा होएगा बच्चे केड़ा विस्मय बोलो बच्चे, केड़ा विस्मिक होएगा मैम, सूचनावाचक, सूचनावाचक विस्मिक, देखी सूचनावाचक विस्मिक। नेक्स्ट वन इज अफसोस, तुसी समय सिर नहीं पहुंचे। यस बेटे अफसोस तुसी समय सिर नहीं पहुंचे। जसलीन, जसलीन बच्चे किस्म दसो चुन के, विस्मिक चुनो ते किस्म दसो। उनाइसा बेटे ट्राई करो, विस्मिक चुनो ते किस्म दसो, अफसोस तुसी समय सिर नहीं पहुंचे। अनम्यूट योरसेल्फ बेटे, कोई नहीं आंसर दसेगा बेटे एदा, बोलो बच्चे। फिर उही बच्चे हैंड्स रेज कर दे ना, जेड़े बच्चे बार बार आंसर देंदे बेटे, बाकी बच्चे बेटे प्राची, हाँ जी बेटे प्राची देगी आंसर। Yes, ma'am. अफसोस शोकवाचक विस्मिक, शोकवाचक विस्मिक, very good. Last one is अपा tense and tense कितने, इस तो इलावा तुसी जदों fair notebook ते करना हरेक विस्मिक दिया two two examples देनिया हन। Last one is next लिखो बेटे उस अज किन्नी गर्मी है, उफ अज किन्नी गर्मी है। यस केड़े भाव प्रगट करता है, रिशम, रिशम आंसर बोलो बेटे, काव्या उफ अज किन्नी गर्मी है आंसर। चलो तितिक्षा तुसी बोलो बेटे, तितिक्षा मैम ये मैंने कल का लेक्चर नहीं सुना मुझे पता नहीं। ओके कोई गल नहीं बेटे। दिव्या मैम उफ शोकवाचक विस्मय, बेटे उफ है जड़ा शोकवाचक विस्मय है। तितिक्षा समझ के करो, उफ होया अफसोस, हाय केड़े भाव प्रगट करते ने, दुख दे भाव, क्योंकि गर्मी है तो सानू दुख महसूस हो रहा, सानू गर्मी तंग कर रही है, ठीक है समझ आ गई। पहले उन्होंने डेफिनेशन समझो, खुशी दे भाव प्रशंसा दे भाव प्रशंसावाचक, दुख दे भाव शोकवाचक,
हैरानी दे भाव हैरानी वाचक, सतिकार दे भाव सतिकार वाचक। समझ आ गई बेटे? हुणे तुसी असाइनमेंट अपनी फेयर नोटबुक से कंप्लीट कर लेनी है, विस्मिक का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हुण आपां अगला टॉपिक स्टार्ट करिए। टाइटल लिखो बेटे अपनी फेयर नोटबुक से विद कोटेशंस, लेख नूं समझना है, फिर अपनी बुक तो लेख नूं पढ़ना है तुसी। पहला लेख नूं चंगी तरह समझना है। यस बेटे। मैम आप प्लीज फिर से सेकंड थर्ड और फोर्थ सेंटेंस रिपीट कर दो, कि मेरा रह गया बीच में, मैं सुन रही थी तो। ठीक है बेटे, रिपीट अगेन। मैम सेकंड थर्ड और फोर्थ वाला सेंटेंस रिपीट कर दो। बोलो बच्चे मैं केड़ा सेंटेंस लिखा थी, हुन मैनु माइंड च नहीं केड़े-केड़े सेंटेंस सी। नोट करो, नोट कितने होने बेटे तुसी? चलो मैं एक असाइनमेंट भेजांगी, उन्हें कंप्लीट करना ना, तो उन्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे? स्टार्ट करिए बेटे। मन जीते जग जीत। मन का मतलब है जो साडा माइंड है। मन का मतलब दिल नहीं हुंदा, मन का मतलब दिमाग नहीं है। मन का टिकाना है जो वो दिमाग दे अंदर, जिहड़ा मन है वो साडियां ज्ञान इंद्रियां तो काम करवांदा है। ज्ञान इंद्रियां किहड़ियां हुंदियां ने साडियां, कोई दस सकदा? कौन दसेगा? थोड़ी जी नॉलेज होनी चाहिए कि मन ते दिल विच की फर्क है। यस, कौन दसेगा मन ते दिल विच की फर्क है ते दिमाग विच की फर्क है? यस बेटे, मन की है कि मन ते दिल सेम ने, कोई दस सकदा? बच्चे तुसी साइंस पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, उहदे विच दिल दा तुसी बनांदे हो, डायग्राम बनांदे हो, तुहानू पता है। मन दा थोड़ी डायग्राम बनांदे हो? बोलो, मन तां अदृष्ट वस्तु है, अदिस अछो सूखम। दिल की है? दिल जो कि साडे शरीर नूं रक्त खून प्रदान करदा है, ब्लड दिंदा है, ते साडा शरीर चलदा। ठीक है, मन की है? मन साडियां ज्ञान इंद्रियां तो काम करवांदा है। ज्ञान इंद्रियां केड़ियां हन? वेखना, सुनना, हत्थां कारां नाल काम करना, पैरां नाल चलना, नक नाल सुंघना, जिहड़े साडे सेंस ऑर्गन्स ने। ठीक है, हुण मन जीते जग जीत दा की भाव है? जिन्ने मन नूं जित लिया उहने जग नूं जित लिया। जग दा की भाव है? संसार ते जित हासिल करनी। जदों बच्चे वाले लेख करेंगे ना, उन्होंने लगेगा कि यही लेख करने जरूरी ने, कि यही जे ऑप्शन आते हैं ना कि आम विषय करो या तुक वाले लेख करो, तो बच्चे प्रैफर करते हैं कि आप तुकों वाले लेख करने, क्योंकि ये मैसेज गिविंग है, ये प्रेरणा देंगे ने, साड़ी जीवन जात को खूबसूरत बनाते हैं। गुरु नानक देव जी दियां रचिया हुई तुकां ने तकरीबन, पहले गुरु साहबान हुए ने गुरु नानक देव जी। ये तुक किहदी लिखी हुई है? मन जीते जग जीत, गुरु नानक देव जी। सब तो पहला आप कोटेशन लिखिए, मन तो जोत स्वरूप है, मे भी थोड़ी बुक च होएगी, स्वरूप है अपना मूल पछाण। एदा की भाव है? कि जड़ा मन है वह परमात्मा का दिता हुआ स्वरूप है, सोहना स्वरूप है। स्वरूप में सोहनी चीज है जिहड़ी दिखती नहीं है, जिहड़ी सूखम है। अपना मूल पछाण, उसनू अपना मूल पछाणना चाहिए कि उसने की करना है, क्योंकि जड़ा मन चंगा काम नहीं करता, मीनस मन ते काबू नहीं रहा, जिदे मन ते काबू नहीं रहा, मन भटकदा है, वह मन जितया हुआ मन नहीं है। ठीक है बच्चे, उस मन नूं जितया हुआ मन नहीं कहिंदे। पर आपां लेख की करना है? मन जीते जग जीत। मन नूं जित लिया, जितन दा भाव है मन नूं काबू करना। मन नूं काबू करन दा भाव है जिहड़ा मन है साडा, वह इच्छावां लालसावां, इच्छावां समझदे हो कि आपां तां देखो इस दुनिया विच आए हाँ, परमात्मा की साजी हुई यह सृष्टि है। सब तो पहला जान पछाण करांगे परमात्मा की, यह संसार परमात्मा की रचना है, जिस विच मनुख का जीवन अनमोल जीवन है, दुर्लभ जीवन है। मानस जन्म दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता, यह गुरबाणी कहती है। मानस जन्म मनुखा जीवन 84 लाख जूना भोग के मिले,
जान पछाण च जां भूमिका विच लिखांगे इस परमात्मा की रची हुई दुनिया के अंदर संसार के अंदर मनुख एक अनमोल प्राणी है पर मनुख इस दुनिया विच आके दुनियावी पदार्थां दे विच अजिहा मस्त हो गया दुनियावी चीजां दे विच दुनियावी सुखां दे विच अजिहा मस्त हो गया कि अपने असली मकसद नूं भुल गया ते अपनियां दुनियावी लालसावां नूं दुनियावी इच्छावां नूं दुनियावी मंगां नूं पूरा करन दे लई उसदा मन ते काबू ही ना रहा उसदा मन भटकी जांदा देखो तुसी ही हो तुसी बच्चे घर विच आपां एक छोटी कार ली है फिर साढ़े मन की इच्छा हुई नहीं वड्डी कार लैनी उन्हां कोल वड्डी कार है नहीं साडा घर इन्ना वधिया नहीं असीं उहनूं कोठी लैनी नहीं मेरे को ले है स्कूटर पुराना हो गया मैं तो वधिया बाइक लैना ठीक है ना ये इच्छा वधदी जांदी है तुहाडे कोल एक चीज़ है तुसीं कहिंदे नहीं ये नहीं इस तो वधिया लैनी इस तो भी उपर लैनी इहनूं कहिंदे इच्छावां दा वधना जदों इच्छावां वधदियां ने ते जदों पूरियां नहीं हुंदियां तां मन की हुंदा दुखी हुंदा है मन भटकदा है हुण इस संसार विच बहुत सारे जीव अजिहे ने जिन्हां दीआं इच्छावां पूरियां नहीं हो सकदियां सारियां दीआं इच्छावां तां उहनां दे अनुसार पूरियां नहीं ना हुंदियां फिर वह इंसान की करता है अपनी इच्छावां की पूर्ति के लिए गलत रस्ता भी इख्तियार करता है कुराए रस्ते से भटकता है बेईमानी चोरी ठगी करता है वह अजे मन की कहते हैं भटकिया होया मन तो जितया होया मन कि होंगे जिसने इच्छावां त्याग दिता वह कहता जिन्या जरूरी लोड़ा ने ना वह पूरी होनी चाहिए मैं किसी की दूसरों की देखा देखी कर्जिया नहीं फसना मैं अपनी इच्छावां बधाना नहीं है मैं सच्ची सुची किरत करनी है तो रब का सिमरन करना है क्योंकि मन मन जो रब न लग गया रब की भगती न लग गया तो जितया हुआ मन जिन्हें तृष्णावां काबू कर लिया वह जितया हुआ मन क्लीयर है फिर जिन्हें संसार नूं जित लिया पहले मन ते काबू किवें होना तृष्णावां दा त्याग करके तृष्णावां समझ दिओ यस बेटे क्लास रिस्पोंस दिओ तृष्णावां दा मीनिंग पता लग्या इच्छावां उमंगा तुहाडियां डिजायर्स ठीक है बेटे डिजायर्स तो इंसान दी वधदियां जांदियां जो इंसान दुनिया में आ गया एक तुहाडी इच्छा पूरी होगी तुसीं दूसरी इच्छा रखती नहीं पूरी होंदी तो तुसीं दुखी होंदे हो तुसीं बच्चे बड़े दुखी होंदे जो तुहाडी इच्छा नहीं पूरी करदे पेरेंट्स कई बार नहीं भी पूरी हो सकती तुसीं दुखी होंदे हो परेशान होंदे हो खाना पीना भुल जांदे हो जो इच्छा पूरी हो जांदी है तुसीं खुश हो जांदे हो ये सब कुछ करवांदा कौन है तुहाडा मन ठीक है समझ आ गई मन दिखदा नहीं है मन राही असी अखां तो देखते हाँ मन राही असी कन्नां नाल सुनते हाँ मन राही असी जीभां तो बोलते हाँ मन राही असी नक नाल सुनते हाँ मन राही असी पैरां नाल चलते हाँ कि सही रस्ते ते चलना कि कुराए रस्ते ते भटकना ये सब कुछ मन करवांदा है क्लीयर है बेटे पहला जान पछाण च हो गया जान पछाण क्लीयर है कि यह सृष्टि परमात्मा की सिद्धि हुई है इस मनुख का जीवन अनमोल है पर मनुख इस दुनिया में आके अपने मकसद को भुल गया तो वह भुल के इच्छावां लालसावां सदरां दे चक्कर विच फस गया अजिहा चक्कर विच फस गया कि उसका मन भटकदा गया उसका मन ते काबू ही नहीं रहा पर जिस इंसान ने अपनी तृष्णावां नूं काबू कर लिया वह मन जितया हुआ मन है तो जिसने मन नूं जित लिया उसने संसार ते जित हासिल कर ली यह जान पछाण उस तो बाद आया तुक का अर्थ की अर्थ है तुक का यह तुक है मन जीते जग जी की लिखोगे मन जीते जपजी तुक गुरु नानक देव जी की उचारी हुई है ये जपजी साहिब जी गुरु नानक देव जी की प्रसिद्ध रचना है प्रसिद्ध बाणी है तुसी पढ़ी होनी है मूल मंत्र जिचो पढ़ते हो सताईवीं पौड़ी है सताईवीं पौड़ी लिखना जिसका मीनिंग है जिस विच गुरु साहिब ने इस अटल सच्चाई बयान की है कि जेड़ा इंसान इच्छावां नूं काबू करके अपने मन नूं काबू कर लैंदा है वह जिंदगी की सच्ची खुशी हासिल करदा है ते वह संसार ते जित हासिल कर लैंदा है ते संसार उसनूं अपना आदर्श मनदा है क्लीयर है सैकेंड पैरा थर्ड पैरा मन की है मैं हुणे तुहानूं दस्सिया मन की है मन एक अछूह वस्तु है मन एक सूखम चीज है मन वो है जो साडे शरीर अंदर है पर दिखाई नहीं दिंदा इसका टिकाना दिमाग विच असी दिमाग तो कम लैंदे हां कि मन नूं किधर तोरना है
इनू मन कहते हैं। ठीक है, मन वो है जो कि साड़ियां ज्ञान इंद्रियां वेखना सुनना सुंघना चलना हत्थां पैरां तो कम लैना आदि कम करवा रहे हैं, ये मन कहते हैं। ठीक है, हुण नैक्सट पॉइंट है मन चंचल है, मन की चंचलता। नैक्सट पॉइंट इज मन चंचल है। चंचल की होंदा, मन तो भटकदा है, मन का तो काबू ही नहीं अपने आप ते। मन एक चंचल वस्तु है। कुछ विद्वानों ने तो यह मनिया कि मन एक बंदर की न्याई है जिहड़ा नचदा टपदा भटकदा फिरदा कादे लई, अपनियां इच्छावां नूं पूरा करन दे लई। मन भटक रहा है, एक इच्छा पूरी हुंदी तां दूजी दे इच्छा दे मगर लग जांदा है। इस संसार विच सारे ही जीव मन दे पिछे लग के चंगे माड़े काम कर रहे ने। जिसकी मन की इच्छा पूरी नहीं होंदी उसका भटकया होया मन उस तो बुरे काम करवांदा है। जिस व्यक्ति का मन ते काबू नहीं है वह व्यक्ति सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकता, तो कराए रस्ते ते भटकता रहिंदा है। इस करके मन की है, चंचल वस्तु है जिहड़ा कदी वेला नहीं बैठता, जिहड़ा भटकदा ही रहिंदा है, इच्छावां दे मगर लग्या होया, तृष्णावां दे मगर लग्या होया, लालसावां नूं पूरा करन लई लग्या होया। ये बांदर दी न्याई है, ये बांदर तो भी तेज दौड़दा मन। एक इच्छा पूरी होगी दूजी इच्छा दे मगर, ए भी आ जाए कोठी महल दे सुख जिंदगी दी ऐशो इशरत दा समान सारा मिल जाए, व्याह भी जिहड़े ने पैलसां दे विच होण, पार्टियां होण, जिंदगी दे सारे सुख मेरे कोल होण, मेरे को कोठियां कारां होण, महलां दा सुख होए, यह है मन की चंचलता। नैक्सट वन इज मन ते काबू पाना। नैक्सट पॉइंट मन ते काबू पाना। मन ते काबू पाना कोई आसान गल है? मन ते काबू पाना बहुत मुश्किल है, मन नू काबू करना बहुत औखा है। मन जड़ा है अजेही वस्तु है जिसनू काबू नहीं किया जा सकता। इसे लिए जड़े पर प्राचीन काल विच असीं देखिए ना, पुरातन काल विच सिद्ध जोगी मन नू काबू करन लई जंगलां विच तपस्या साधदे रहे, धूनियां बालदे रहे, पर अजिहा करके मन काबू नहीं हुंदा। मन काबू किवें करना है? अपनी तृष्णावां ते काबू करके, बुरे कम्मां तो अपने मन नू हटा के, लालसावां तो मन नू परे करके। जदों इंसान अपनियां लालसावां ते काबू कर लैंदा, चोरियां ठगियां बेईमानियां दा रस्ता छड़ देंदा है। क्योंकि संसार विच जे तुसी देखो वड्डे वड्डे राजे योद्धे बहादुर सूरबीर सब मन दे अनुसार ही चंगे काम करदे रहे ने, पीर पैगंबर गुरु साहिबान सब मन दे पिछे। और देश विच दूजे देशां नाल जिहड़ियां लड़ाइयां होईयां ने, अपने ही देश विच देख लो, भारत देश विच एडे एडे मुगल हाकम चढ़ के आए, मन दे पिछे लग के ही तबाही करदे रहे, पर अंत विच जित हासिल नहीं कर सके। मन ते काबू करके ही जित हासिल हुंदी है, मन नू हिंसा दे रस्ते ते चला के जित हासिल नहीं कीती जा सकदी। इस करके मन नू काबू करना बहुत औखा है, क्योंकि मन दुखां तकलीफां दा भटकिया होया, मन दुखां तकलीफां नू जन्म दिंदा है, दुखां तकलीफां दा कारण बनदा है। ये दुखां तकलीफां दी उपज है, देशां दीआं आपसी लड़ाइयां ये मन दी उपज है, आपसी झगड़े रिश्तियां दे विच दराड़ आनी ये मन दी ही किरत है। और चंगे काम करना भी, विज्ञानक काढ़ां कढ़नियां, देश नू उसारू पासे ले जाना, ये भी मन दी किरत है। क्लियर है बच्चे, समझ आई? नैक्सट है मन नू काबू किवें करना, मन नू जितण दा ढंग। इस संसार विच साडे गुरु साहिबान ने यह गल स्पष्ट कर दिती कि हिंसा दे नाल मन नू जितया नहीं जा सकता। टाइटल देना मन नू जितण दे ढंग, हिंसा करके मन नू जितया नहीं जा सकता। तुसी कौरव पांडवां दी लड़ाई देख लो, राम ते रावण दी लड़ाई देख लो। ठीक है, जड़े भी नादर शाह वर्गे अब्दाली वर्गे साडे भारत ते चढ़ गए उन्हां दा हाल देख लो। कोई भी हिंसा नाल अज तक अपना संसार विच जित हासिल नहीं कर सके। साडे गुरु साहिबान ने इहदे लई रस्ता दस्सिया कि मन नू जितण दे लई घर बार त्यागन की लोड़ नहीं। गुरु नानक देव जी ने तो कह दिता घर बैठे ही परमात्मा पाया जा सकता है। ये मन काबू करने
जंगलों विच भटकन की लोड़ नहीं। भगत नामदेव जी ने की क्या मन नू काबू करने लई कहिंदा सच्ची सुची किरत करो, हत्थां पैरां दे नाल सच्चा सुच्चा काम करो, लोक भलाई दे काम समाज भलाई दे काम करो, तां मन जित्या होया। अपने स्वार्थ तो उपर उठ के नेक काम करो, नेक कर्म करो, अपनियां इच्छावां नू पूरा करन लई चोरी बेईमानी ठगी दा रस्ता ना अपनाओ। अजिहा करके तुसीं अपने मन नू जित सकदे हो। क्लीयर है? उस तो बाद है गुरु साहिब दा संदेश की, गुरु नानक देव जी की रची तुक है जित्या होया मन। जित्या होया मन जदों इंसान मन नू जित लैंदा उसका मन प्रभु भगती वल लग जांदा है। उसका मन है जिहड़ा हमेशा नेक कर्म करता, उसके अंदर नेकी परोपकार के गुण पैदा हो जाते हैं। क्लीयर है? फिर इतने लास्ट से कहना है सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहां। यह तुक लिखनी है जदों मन जित्या होया मन, एंड ते लिखना जित्या होया मन संसारिक जित हासिल कर लैंदा, फिर सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहां। ठीक है बच्चे? फिर अपना लिखना है सार अंश। सार अंश की लिखना है कि जड़ा इंसान गुरु के उपदेश में ध्यान रखे मन से काबू कर लेंदा है वह संसार से जित हासिल करता है, ते सच्चाई के मार्ग से चलता है, फिर संसार उसकी वडियाई करता है। इस संसार विच मन की एकाग्रता के नाल ही वड्डे वड्डे कारनामे हो सके ने, विज्ञानक काढ़ां कढ़ियां गईयां ने। यह मन की एकाग्रता ही है कि इंसान अज चंद ते भी पहुंच गया। पर मन की एकाग्रता अजिही होनी चाहिए जिहड़ी कि समाज भलाई दे देश भलाई दे सर्व सुखां दे लई काम करे, सरबत दे भले दी जातना विच जिहड़ा मन नेक कर्म करता है वह मन जित्या होया मन है। सो बेटे ये लेख दे पॉइंट तुसी कोटेशन दे नाल लिख लैने हन। अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करके मैनूं इस वीक दे एंड तक सेंड करनी है, और अगले वीक तुहाडा टैसट भी है, वह मैं तुहानूं सेंड करांगी कि कहड़ा टैसट होना। ठीक है बच्चे? Thank you so much.